हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डीकेएस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। टारगेट यूपी पीसीएस पीसीएस 2019 प्रीलिम्स के श्रृंखला में हम आज के लिए आपके लिए फिर 5 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी ब्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी जॉन मथाई या ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय या गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज ने या ऑप्शन डी अन्य ने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। दोस्तों आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में होकर कौन नदी बहती है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी या ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, जी हाँ ऑप्शन ए नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। आज का दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया। ऑप्शन ए पूजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने या ऑप्शन डी अन्य ने। उसका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेबी ने, सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जारी किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।